हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी एग्जाम होना बाकी है। आप लोग हमेशा ये सवाल पूछते हो, सर ऐसा क्या करें जिससे थियोरी में एग्जेम्पशन आए, ऐसा क्या करें जिससे सीए में 70+ आए, 80+ आए। तो ये वो पेपर है जहां पे आप देख सकते हो मेरे एक स्टूडेंट वरद को, जो हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट था, उसको 83 मार्क्स मिले हैं लॉ में और उसका पेपर आरटीआई से आ चुका है। तो मैंने सोचा आप लोगों को उसके सामने पेपर में मैंने बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें देखी जो मुझे आपको बताना था। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सके, चाहे वो लॉ हो या ऑडिट हो या कोई भी थियरी पेपर हो। देखिए, इसका स्कोर सबसे पहले देखिए, बड़ा मजेदार है। आपका जो 100 मार्क का होता है उसमें 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, 30 मार्क का क्या होता है आपका एमसीक्यू। 70 मार्क के सब्जेक्टिव में से इसने 54.5 स्कोर किया है इन सब्जेक्टिव ओनली, मतलब इसने एमसीक्यू में करीबन 28 स्कोर किया है, तब इसका टोटल जाकर के 83 बना है। अब ये कैसे स्कोर होता है, इसमें से 5 चीजें क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, पर उसके पहले एक बार हम पेपर देखते हैं इसका आगे चल करके। सबसे पहले हैंडराइटिंग एक बार देखिए और इसमें देखिए इन्होंने आंसर कैसे लिखा है। जैसे अगर आप पहला आंसर देखेंगे जो किसके बारे में बात करता है, कंपनीज एक्ट के बारे में बात करता है, तो इसने सबसे पहले रेफरेंस लिखा है सेक्शन का, एज पर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर टेक्निकल नो हाउ और राइट्स टू देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों, अगर आप बेयर एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये एग्जैक्टली वो नहीं है जो वो लिखा हुआ है, पर इसने सारे कीवर्ड्स इसमें लिखे हैं, एम्प्लॉय लिखा है, डायरेक्टर लिखा है, नो हाउ लिखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिखा है, और जो कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं ना अपने बेयर एक्ट से उसको उसने अंडरलाइन कर दिया है। तो एग्जामिनर को पढ़ के कॉन्फिडेंस क्या आएगा कि भैया सब तो सही लिखा है, एक आध दो वर्ड में सो गया मैंने, कोई बात नहीं भाई, इससे ज्यादा क्या लिखेगा, मशीन थोड़ी है। उसके बाद देखो इन्होंने किस तरीके से पॉइंटर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन नंबर लिखा सेंटर पे, हेडिंग मेरा भी पेपर जो इंटर फाइनल का दोनों था बकायदा ऐसे ही लिखा गया था, हेडिंग सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजन उसको इन्होंने पॉइंट्स में डाल करके लिखा है। फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, जिस तरीके से हम क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद इसने क्या किया है, लास्ट में कंक्लूजन लिखा है, जहां पे इसने एकदम टू द पॉइंट खत्म किया है और इसको इसके लिए पूरे मार्क्स मिले, आधे नंबर कम मिले हैं, आप ये देख सकते हो। और इसने कंक्लूजन लिख करके पूरा जगह खाली छोड़ दिया, जबरदस्ती ने नीचे शुरू किया, नए सिरे से आंसर शुरू कर रहे हैं, अरे तुमने पेपर के पैसे ऑलरेडी भर दिए, तुमको और ये पेपर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं छोटा छोटा करूंगा, वो तुम क्लास के नोट्स का करते हो उतना काफी है, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर टू भी देखोगे, इसको इसका सेक्शन नंबर याद नहीं था तो इसने लिख दिया एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी में डिक्लेयर इंटरम, गलत सेक्शन नंबर नहीं लिखा, इसने लिख दिया एज पर कंपनीज एक्ट और इसने पूरा प्रोविजन लिखा और उसके बाद इसने रेलिवेंट प्रोविजन उसी फॉर्मेट में लिखा। अब सर क्या ऐसी चीजें हैं जो इसके पेपर को, मैंने पूरा रिव्यू किया। अब आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो कहते हो सर मेरा पेपर देख करके बता दो सर मैं क्या कर सकता हूँ। बेटा जितना आप लोगों का मैं मैसेज देख पाता हूँ, जितने पेपर में देख पाता हूँ वो तो मैं देख लेता हूँ, पर ऐसा इंसान हो यार, मेरे पास भी समय की थोड़ी लिमिटेशन है, जितना हो पाता है मैं उतना करता हूँ, पर जिनको नहीं हो पाता है 5 चीजें जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए जो तुम अपने अगले वाले में सुधार सकते हो। पहली चीज, फॉर्मेटिंग, अपना फ्लो थॉट्स को एकदम सॉर्टेड रखो, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए आप रैंडमली कुछ भी ब्लैबर कर रहे हो। आपने सही एकदम प्रोविजन बताया, जैसे कि आप समझना कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो ना तो यूं समझना एग्जामिनर आपसे आके पूछ रहा है एज अ स्टूडेंट कि भाई मेरे को कॉन्सेप्ट समझाएगा जरा, तो उसको जिस तरीके से आप समझाओगे कि भाई देख पहले प्रोविजन ये लिखा हुआ है, तूने सवाल ये पूछा और मेरा जवाब ये है, यही तुमको पूरा इसमें प्रेजेंटेशन डालना है ताकि वो एग्जामिनर को भी समझ आए। तुम ये मान के चलो कि एग्जामिनर भी कोई ऐसा पर्सन है जिसको शायद लॉ नहीं पता, ऐसा मान के चलो, तो तुम उसको समझाओ ना तो तुम लोगों को वो मार्क्स दे करके जाएगा। और सबसे बड़ी बात है अंडरलाइनिंग, तो मैं एक बार आप लोगों के 5 पॉइंट्स पे आ जाता हूं जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला दोस्तों, एमसीक्यू में 28 मार्क्स लाया है, और इस बार एमसीक्यू में पिछले बार यही हुआ था कि जो हमने पूरा एमसीक्यू बुकलेट किया था, जो हमारी बुकलेट में से पूरे क्वेश्चंस थे वही वहीं से उठ करके आ गए थे। तो एमसीक्यूज में आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, यू विल हैव टू मेक एमसीक्यू योर स्ट्रेंथ, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो एमसीक्यू आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा, अटेम्प्ट मैक्सिमम, वरद के पेपर में उसने करीबन 66 से 67 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं और सही अटेम्प्ट किया तब जाके उसको 54 मिला है राजा। तो ये इतना अटेम्प्ट कब कर सकते हो आप, इतना अटेम्प्ट तभी कर सकते हो जब आपको कॉन्फिडेंस होगी पूरे चैप्टर में क्या है और आप पूरा फ्लूएंट समझ करके लिख रहे हो, तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बकवास नहीं लिखना है, रेलेवेंट आंसर लिखना है। तीसरा और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, फोकस ऑन अदर लॉ, मैं आपको अदर लॉ का थोड़ी देर में एक बार इनका आंसर दिखाता हूं। इसने अदर लॉ के लैंग्वेज में भी
सारा सिंपल लैंग्वेज लिखा है, कोई अपना अपना ये क्या बोल रहा हूँ रॉकेट साइंस लैंग्वेज नहीं लिखा है, इसने एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखा है और एकदम रेलिवेंट लैंग्वेज लिखा है, सिंपल लैंग्वेज लिखा है अदर लॉ में, ऐसा नहीं कि रटा हुआ पूरा शेक्सपियर का लैंग्वेज लिख के आए, उसने नॉर्मल लैंग्वेज लिखा है, वो भी आप लिख सकते हो, उसमें भी मार्क्स मिले, मैं आपको दिखाता हूँ। चौथा दोस्तों, चार्ट्स वगैरह जो है ना हमारे क्लास में, जो हम हैंड रिटन नोट्स में बनाते हैं, जो फ्लो हम समझते हैं वो हमारे क्लास में समझने के लिए ओके है। एक स्टूडेंट था मेरा ही, उसने क्या किया, उसने जो हमने क्लास में हैंड रिटन नोट्स में समझने के लिए चार्ट बनाए थे उसको एक आंसर में लिख दिए, इंस्टीट्यूट ने काट दिया, बोले मार्क्स हम नहीं देते राजा, चार्ट्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको वर्ड्स के मिलेंगे जिस तरीके से इसने लिखा है और कीवर्ड्स अंडरलाइन करके ही मिलेंगे। ये पांच पॉइंट है जो आप लोगों ने सीख लेनी चाहिए। अब मैं एक बार आपको अदर लॉ का नोट्स दिखाता हूं, इसका आंसर दिखाता हूं, वन सी वुड बी अदर लॉ, ठीक है, तो ये आपका वन सी है। यहां पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ कंटिन्यूइंग गारंटी इज रिवोक्ड ऑन डेथ ऑफ द श्योरिटी, सिंपल टू द पॉइंट लिख दिया भैया, कंटिन्यूइंग गारंटी जो है ना डेथ पे रिवोक हो जाता है, कहां लिखा है कौन सा सेक्शन, बोले नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नहीं याद करना है, मैंने तुमको क्लास में बोला है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ श्योरिटी उसने पूरा लिखा है, देखो द श्योरिटी इज स्टेट शेल बी लाइबल फॉर ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाई द प्रिंसिपल डेटर अप टू द डेट ही वॉज अलाइव, इसने इतना रॉ लैंग्वेज लिखा, ही वॉज अलाइव, श्योरिटी स्टेट शुड नॉट बी लाइबल फॉर ट्रांजेक्शन आफ्टर डेट, अरे बहुत सिंपल लैंग्वेज और बहुत प्लेन वर्ड्स में लिखा है इसने, और यहाँ पे देखो इसको दो नंबर यहाँ पे मिल गए और अगले पेज में देखो एक नंबर मिल गए, एक नंबर मिल गए, टोटल चार नंबर, और क्या चाहिए भाई जिंदगी में तुमको, नहीं मांग रहा ना इंस्टीट्यूट तुमसे कुछ ज्यादा, तुम कंपनी लॉ में फोकस करो लैंग्वेज पे, पर अदर लॉ में तुम एकदम समझ करके लिख दो तुमको वो मार्क्स दे देगा, पर स्टेट जैसा भारी वर्ड यूज करना पड़ेगा भाई तुमको, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा रिव्यू था, प्लीज इसको समझो, इसको अप्रिशिएट करो, और जो वीडियो यहां तक देखा है एक बोनस पॉइंट समझ करके जाओ कि यार मेहनत सब कर रहे हैं यार, जितने बच्चे आज के डेट में ये वीडियो भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जितनों से मेरी बात हो रही है ना, मेहनत कर सब कर रहे हैं पर पास क्यों नहीं हो रहे सब, क्योंकि राजा छोटी छोटी फर्क होती है, छोटा छोटा फर्क ये होता है कि आपको पढ़ लिया सब कुछ पर याद नहीं हो रहा है, इसलिए हमने जो अभी इंटर का जो मैराथन शुरू किया था वो हम वापस से शुरू करेंगे, जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए उनके लिए, और जो मेरे भी बहुत सारे क्लास के बच्चे जो नहीं ज्वाइन कर पाए, और फिर एक दिन हर दिन एक एक क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करो, यू विल एक्चुअली सी द रिजल्ट, ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन डे राइटिंग प्रैक्टिस, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, ये बदलती है चीज है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीजें होपफुली आपको समझ आई होगी, अगर वीडियो यहां तक देखा तो लाइक जरूर कर देना, मेरी जो अपकमिंग बैच है वो 16 अगस्त से शुरू हो रही है, तो अपने जूनियर्स तक ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचा देना ताकि वो बैच ज्वाइन कर सके और उनकी राइटिंग प्रैक्टिस शुरू से ही हो सके और उनके भी अच्छे रिजल्ट आ सके, मेरी पूरी गारंटी उनको 100% लॉ में कंफर्ट आ जाएगा। मैं मिलता रहूंगा आपसे अगले वीडियो में, बहुत सारे वीडियोस आने वाले नवंबर वाले बच्चों आप लोगों के लिए, ताकि आपको इस चैनल से बैक टू बैक सपोर्ट मिलता रहे। सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड, और जो वीडियो यहां तक देखे कमेंट पे जरूर लिख के जाना कि अपने लिए दिल से लिख के जाना आई विल स्कोर 60+, आई विल सिक्योर एन एग्जेम्पशन इन लॉ, ये नीचे आप कमेंट पे लिख के जाओगे और मुझसे अगले वीडियो में मिलोगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। दिस इज योर सीए बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।